हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन ए वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 40 मेगाहर्ट्ज देन इट्स वेवलेंथ इज। देखो, अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें बच्चों, तो ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है और ये अपना जेड एक्सिस है। ठीक है, हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, इधर की तरफ ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर ट्रेवल हो रही है। ये अपना क्या है, ईएमडब्ल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब, और ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और इनका भी नेचर जो होगा वेरिएबल नेचर का होगा। ठीक है, इस तरीके से अब कहा जा रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 40 मेगाहर्ट्ज, ये है आपका 40 40, इसको साफ साफ बना लेते हैं, यहां पे ये हो जाएगा आपका 40 मेगाहर्ट्ज। मतलब कि हम इसको हर्ट्ज में बदले तो 40 × 10 to the power 6 हर्ट्ज है ना। तो अपन जानते हैं C इक्वल टू होता है एफ लैम्डा है ना। तो C क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, और ये कितना दिया है आपका 40 × 10 to the power 6 लैम्डा। तो ये कट गया, अगर आप देखेंगे तो इसे 6 से ये कट गया, एक जीरो से एक और जीरो कट गया, तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 30/4, तो 15/2 होगा, यानी कि 7.5 होगा। तो ऐसे में हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट होगा।